हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे गिरिराज महाराज की जय जय श्री राम हरे कृष्ण ओम अज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सभी पर वापस बोलेंगे कुछ फायदा होगा तो आपका नुकसान होगा तो मैंने कहा था ना हम हैं जोर से बोलिए सब एक बार हरे कृष्णा गुरुपाद पद्म परमारादितम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। देखो समय तो बड़ा कम है और महाराज जी का आदेश हुआ है बहुत जल्दी खत्म कर देने को। मैं देखो ये भागवत कथा जो 7 दिन के लिए आयोजित हुई है यहाँ प्रश्न उठता है कि हम 7 दिन का ही आयोजन क्यों कर रहे हैं। एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक समय पर क्या हुआ, एक राजा था, उस राजा के दरबार में कोई साधु आए। वो साधु उसके पास में आकर और कहने लगे सिपाही से कि मुझे जाओ राजा को संदेश देना, कोई साधु मिलने आए हैं, एक मिनट के लिए कोई विशेष कार्य है। जब सिपाही राजा के पास में जाकर बोलता है कि कोई साधु आपसे मिलने के उद्देश्य से आए हैं, तब राजा का साधारणतः विचार क्या रहता है, बोले साधु आए हैं कुछ भिक्षा करने के लिए आए होंगे, तो अपने पास में से कुछ पैसा निकाल के उनको दे देता है और बोलता है राजा को बाहर साधु को बाहर से ही भेज देना। सिपाही जब जाकर साधु को भिक्षा दे देता है वो बोलता है बोले मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मनुष्य के जीव कल्याण मात्र के लिए ही साधु घर मर्ग में भ्रमण करते हैं। हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार नंद बाबा के घर में जब गर्गाचार्य जी आए तो उनका भी यही कहना था क्या कि महत स्वभाव एक तारित पामर निज कार्य नहीं तब जानता घर। साधु अगर किसी गृहस्थ के व्यक्ति में गृहस्थ व्यक्ति के घर में जा रहे हैं तो क्या उनके आश्रम में खाने का अभाव था या कि अपने पेट पालन के लिए भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं, नहीं निज कार्य नहीं तब जानता अगर क्या दूसरों का तारण करने के लिए उनको ज्ञान की शिक्षा देने के लिए। अभी यहाँ पर ये साधु जो थे उनका भी यही मन में यही विचार था कि मैं राजा से एक मिनट के लिए बात करना चाहता था लेकिन राजा के पास में लगता है समय नहीं। उसने सिपाही से कहा कि मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए, तुम राजा से जाकर कहना मैं एक मिनट मिलना चाहता हूँ। सिपाही ने फिर जाकर कहा, राजा के मन में विचार आया हो सकता है जो मैंने दक्षिणा दी है दक्षिणा कम है, तो राजा ने और उसके साथ में कुछ दक्षिणा मिलाकर और सिपाही के हाथों भिजवा दी। जब साधु को वो भी नहीं उससे भी साधु नहीं माने, उन्होंने कहा मुझे बस राजा से एक मिनट मिलना है आप उनसे ये कह दो। सिपाही ने जब ये बात आकर राजा से कही राजा जी कहते बोले साधु बाबा को मना कर देना, राजा राजकार्य में व्यस्त है उनके पास में समय नहीं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है साधु अपना वहां से चले गए। सोचा रानी के पास में जाता हूँ हो सकता है रानी मिलेगी। जब रानी दासी को जाकर बोला कि रानी से मिलना चाहता हूँ, रानी ने स्वागत करके साधु को बुलाया। साधु बाबा ने आ जाकर कहा बोले देखो रानी मैं राजा के पास में मिलने गया था, राजा ने फुर्सत नहीं दी, मैंने सिपाही से कहा राजा से मिलने के लिए लेकिन राजा को फुर्सत नहीं दी, उन्होंने मुझे लौटा दिया। बोले आप मुझे बता दो क्या सेवा करनी है। तब यहाँ पर वो साधु उनसे बोलने लगे कि देखो मैंने अपने भजन के प्रताप से देखा है कि तुम्हारा राजा 7 दिनों में मरने वाला है। जब किसी पत्नी को ये बात पता चले कि मेरे पति 7 दिन में मरने वाले हैं कैसी अवस्था हो जाएगी उसकी। अभी रानी की नई नई विवाह हुआ था
अब रानियां मनी मन बड़ी चिंतित होने लग गई और वहां पर सोचने लगे कि हे साधु क्या बोल रहे हैं। बोले क्या सत्य बात है? बोले ध्रुव सत्य है। मैंने अपने भजन के प्रभाव से देखा है कि ये राजा 7 दिन में मर जाएगा। अब रानी बड़ी चिंतित हो गई और राजा को तुरंत बुलाने को कहा। जब राजा के पास में दासी को भेजा, राजा दौड़ा दौड़ा चला आया। साधु के बुलाने पर 2-3 बार में भी नहीं गया था, लेकिन रानी ने जब बुलाया तो पहली बार में चला आया। हरि बोल। जब रानी के बुलाने पर राजा वहां पर चला आया, रानी ने कहा देखो आपके पास में कोई साधु आए थे? बोले हाँ आए थे, मैंने दक्षिणा भी उनके लिए भिजवाई थी। बोले आप राजकार्य में इतने व्यस्त थे, आपसे साधु के मिलने के लिए आपके पास में 1 मिनट भी नहीं था। बोले बताओ ना बात क्या है? तब रानी यहाँ पर कहती है देखो वो साधु बाबा कहकर गए हैं कि 7 दिन में आप मरने वाले हैं, 7 दिन में आप मरने वाले हैं। ये बात सुन के तो राजा स्वयं ही अधमरा हो गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी की मृत्यु अगर पता चल जाए 7 दिन बाद में है, कितना भयभीत हो जाएगा। राजा भी बड़ा चिंतित हो गया। बोले वो साधु बाबा गए कहाँ? बोले वे तो समाचार देकर चले गए। बोले उनको बुला लाओ, जल्दी बुला लाओ। सिपाही को भेज के जब साधु को बुलाया, साधु से कहा कि बोले बाबा आप क्या कह रहे हैं, मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ? बोले हाँ सत्य बात है, आप 7 दिन में मरने वाले हो। अभी राजा ने कहा बताओ क्या उपाय है, कैसे क्या बचा जाए? बोले मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी ही, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन आप बड़े दानवीर राजा हैं, आपने बड़ा ही दान पुण्य किया है, इसलिए क्या होगा, आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग लोक में आपको इंद्र सम ऐश्वर्य मिलेगा, आप वहां पर खूब राजभोग करना। तो राजा सुन के तो थोड़ा सुखी हुआ, पर फिर वापस साधु बोल पड़ा लेकिन एक समस्या भी है। बोले क्या? बोले वहां पर आपको राजभोग सब ऐश्वर्य तो मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको रात में नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े मच्छर हैं, आप जब रात में सोओगे ना तो आपको मच्छर काटेंगे। तब राजा ये सोचने लगा तो बताओ आप क्या करें? बोले चिंता मत करो, वहां पर मच्छरदानी की भी व्यवस्था है, जब रात में सोओगे मच्छरदानी लगा लेना और आराम से सोना। राजा फिर थोड़ा सा खुशी उसके मुख पर आई, फिर साधु बोल पड़ा लेकिन फिर भी एक समस्या है। बोले क्या? बोल रहा है वहां पर मच्छर भी है लेकिन मच्छरदानी की व्यवस्था है, मच्छरदानी लगाकर सो सकते हो लेकिन मच्छरदानी के एक कोने में ना छेद है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ से मरोगे तब अपने साथ में एक सुई धागा लेकर चले जाना, वहां जाना उसकी सिलाई करना और चैन की नींद सोना। अब राजा सुन के सोच रहा है, बोले मरने के बाद में सुई धागा ले जाना? बोले बाबा क्या बात बोल रहे हो, मरने के बाद में तो सब चीज यही रह जाता है, शरीर को जला के राख कर देंगे, कोई अपने साथ सुई धागा भी लेकर जा सकता है? आप बताओ मरने पर कोई सुई धागा भी साथ में जाएगा? राजा ने भी यही प्रश्न किया। बोले मरने के बाद में अगर तेरे साथ में सुई धागा भी नहीं जाएगा, ओ बाबा बैठ जाओ आप, जब यहां पर राजा ने कहा कि अगर मरने के बाद में सुई धागा भी आपके साथ में नहीं जाएगा, आपको ये बात पता है, मैं आपको यही बात बतलाने आया था, मैं आपको यही बात बतलाने आया था कि राजा जिस राज्य कार्य में आप इतने व्यस्त हो कि आपको साधु से मिलने का समय नहीं है, वो राज्य आपके साथ में नहीं जाएगा, वो राज्य का कुछ भी आपके साथ में नहीं जाएगा, लेकिन मरने के बाद में क्या होगा, आपके साथ में एक सुई धागा भी नहीं ले जा सकते। इसलिए अब ये बात सुनने के बाद में राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोले आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, सत्य बात ही है, मरने के बाद में तो सुई धागा भी साथ में नहीं जाता। तब वहां पर बाबा बोलते हैं कि देखो मैंने ये बात नहीं कही थी कि आप 7 दिन के बबाद में मर जाओगे, मैंने कहा था आप 7 दिन में मरोगे, 7 दिन 7 ही होते हैं, दिन 8 नहीं होते। हाँ सोम मंगल शनि बुध शुक्र रवि है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 दिन ही होते हैं ना, दिन 7 ही होते हैं, दिन 8 नहीं होते। अगर किसी की मृत्यु होगी तो इन 7 दिनों के अंदर ही होगी। ये बात सुन के तो राजा के फिर से थोड़े से प्राण वापस आ गए। यहाँ पर देखो शिक्षा दे रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो रही है वो यदि 7 दिनों के भीतर ही होगी, लेकिन मृत्यु होने पर कोई अपने साथ एक सुई धागा भी लेकर नहीं जाएगा, एक सुई धागा भी साथ नहीं जाता। इसलिए क्या करना चाहिए, जो चीज साथ में जाएगी नहीं उसको हम संशय करने में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सारी चेष्टा सुबह से लेकर शाम तक देखो जो भी हम चीज कर रहे हैं किस लिए, ये सब फालतू चीजों को ही संग्रह करने में, लेकिन जो चीज साथ में जाएगी उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं, उसके लिए हम कितना समय देख रहे हैं, एक बार विचार करके देखना चाहिए। इसलिए मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कितनी बार हम लोग इसको श्रवण कर चुके गुरुदेव के मुखारविंद से कि कुछ जाएगा साथ में तो भगवान का नाम जाएगा, इस जगत की सारी संपत्ति धन दौलत पैसा रुपया मकान सब यही रह जाएगा, तो व्यर्थ चीजों में कितना समय दे रहे हैं और जो वस्तु साथ में जाएगी उसमें कितना समय दे रहे हैं, ये शिक्षा लेने की है। 7 दिनों का जो आयोजन है ये उसी लिए है, अगर 7 दिन यहाँ पर आए
कथा के बाद में खूब नाचे कूदे और प्रसाद लेकर चले गए और जो अर्थवस्तु जो साथ में जाएगी उसके बारे में विचार नहीं किया तो ये पूरा आयोजन व्यर्थ है, ये पूरा आयोजन व्यर्थ है। लेकिन अगर साधु की कथा सुनी, ठीक है, आनंद पूर्वक नाच भी किया, कथा भी सुनी, लेकिन जो सार सार है कथा का, क्या? ये भगवान का नाम। अगर ये भगवान का नाम ग्रहण कर लिया तो जीवन सार्थक है। तो 7 दिन के लिए जो यहाँ पर इतना आयोजन किया गया है, जो महाराज जी ने और सभी ने इतना परिश्रम किया है, वो परिश्रम सार्थक है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पर कथा समाप्त हो, क्या अपने जीवन में हरि नाम का आश्रय जरूर लेना चाहिए, गुरु पद आश्रय करके। क्योंकि शिव जी स्वयं कह रहे हैं, बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। अगर कोई ब्रह्मा और शंकर जैसा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उनको भी गुरु की आवश्यकता होती है, किस लिए? भव सागर को पार करने के लिए। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, गुरु पद आश्रय करते हुए, हरि नाम का जप करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना लो। यही इस भागवत का सार स्वरूप है। हम अंतिम में भी श्रवण करेंगे, जब भागवत समाप्त होती है, क्या? नाम पर ही, नाम संकीर्तनम यस्य। श्री व्यासदेव जी कह रहे हैं कि अगर इस भागवत का सार यदि कोई ग्रहण करना चाहता है तो क्या है, ये भगवान का नाम ही है। इसलिए सभी एक बार हाथ उठाकर बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस गिरिराज महाराज की। अभी हम लोग श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे। कहते हैं जो गिरिराज गोवर्धन है, इसकी इतने महिमा क्यों, कारण क्या है, और ये गिरिराज गोवर्धन आए कहाँ से? कहते ये गर्ग संहिता की कथा है। एक समय श्री राधा रानी को कृष्ण कहते, बोले हे राधे, ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, तू चलोगी? राधा रानी बोली, मैं नहीं चलती हूँ। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, भैया मैं तो वहां जाना नहीं चाहता हूँ। इतने में कृष्ण ने कहा, देखो राधे, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं नीचे उतरूंगा, अकेले थोड़ी जाऊंगा, ये जो गोलोक वृंदावन देख रहे हो, पूरा के पूरा मैं जगत में उतार दूंगा। इसका मतलब जो गिरिराज गोवर्धन आए, वो कहाँ से आए गिरिराज गोवर्धन? कहते ये गोलोक वृंदावन से ही ये गिरिराज गोवर्धन उतरे, ये कोई पहाड़ नहीं। कहते ये गिरिराज गोवर्धन प्रकट कहाँ से होंगे? कहते इसको भविष्य पुराण में कहते हैं, प्रकृते मनसा जात, बोले ये राधा रानी के हृदय से गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुई। इसलिए राधा रानी जैसे दयालु, ये गिरिराज भी बड़े दयालु से गिरिराज गोवर्धन, इसलिए इनका एक नाम है सर्प अभीष्ट प्रदाता, मतलब जीवों का सारी इच्छाओं को गिरिराज पूरी कर देते। आप लोग गिरिराज गए ना, कौन कौन गए गिरिराज? आप देखना, कोई दूध की धार से परिक्रमा लगाते, कोई किसको देखोगे गिरिराज की? आप देखोगे जतिपुरा में गए होंगे, देखो ना इतने गिरिराज गोवर्धन में दूध की धार में स्नान कराते हैं, वो नाली में दूध बहते भी जा रहा है, जयपुरा के तालाब में दूध ही दूध है। मानसी गंगा गए हो? देखे हो मानसी गंगा में कितने दूध की अभिषेक करते हैं। दान घाटी देखे हो? कारण क्या है, दूध में क्यों स्नान करते हैं? कारण है, जो जो कुछ मांगता है गिरिराज से, गिरिराज उनको सभी इच्छाओं को गिरिराज पूरी कर देते हैं। जिसकी इच्छा पूरी होता है वही आकर के गिरिराज में अभिषेक करके जाता है। इसलिए कल मैंने बताया था ना, जितने गिरिराज शिला के ऊपर में जितना शिला रख दोगे उतना मंजिली मकान गिरिराज दे देते हैं। आपको मैं क्या सही घटना सुनाता हूँ। एक बड़ों तो वहाँ पर कथा करने जाते हैं, एक व्यक्ति का घर में हम कथा करने गए थे एक साल, देखा छोटा सा घर था, लेकिन जब हम दूसरे साल में आए उसको 3 मंजिल आलीशान मकान बनाए। मैंने कहा, भैया तुमने एक साल में इतना पैसा कहाँ से आया? बोले मैं गिरिराज गोवर्धन घर के परिक्रमा लगाई और गिरिराज शिला के ऊपर मैंने 3 शिला रख करके आ गया। पता नहीं ठाकुर का क्या कृपा हुई, ये जो रोड है ना जो निकलती है, कहते पूरा मेरे जमीन के ऊपर में रोड निकला, तो पता नहीं मेरे को इतना कीमती मेरी जमीन बढ़ गई, एकदम करोड़ों करोड़ रुपया एक साल में आ गया और मैंने ये 3 मंजिल मैंने मकान पर बना दिया। इसलिए इतने गिरिराज की महिमा, इसलिए हमारे संत कहते हैं जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी उसको पीछे 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 चलते हैं, भैया इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा? जो मांगता है वही दे देते हैं। उसमें धागा बंधा हुआ देखोगे,
अभिषेक करते हुए जिनके बेटा उनका नौकरी नहीं लगता, बेटी किस बेटा के शादी नहीं होता, कहते गिरिराज से परिक्रमा लगाओ, सब इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी कर देते हैं। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा, इसलिए कहते गुजरों का देवता कौन है? बोलो गिरिराज कौन गुजरों का देवता है? गिरिराज है ना। बोलो श्री गिरिराज बाबा की जय। में आनंद नहीं पाता है बीच में तो कुछ बोलते नहीं। अगर आपको वहां पर महिला में एक कोने में झगड़ा हो ना, दूसरे कोने में पता चलता किसी घर में झगड़ा हो रही, और तुम लोग जयकार वही कह रहे हो, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही। बोलो गिरिराज महाराज की जय। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा है, क्योंकि भगवान कृष्ण जिनको अपना हाथों से गिरिराज की उन्होंने अभिषेक की, और ठाकुर जी को अपना अंगुल को ऊपर में उन्होंने धारण किया, ठाकुर जी पूरा ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज की ठाकुर स्वयं परिक्रमा करते हैं, दुनिया बांके बिहारी को परिक्रमा करता है, और बांके बिहारी किसको परिक्रमा की? श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की। बड़ी महिमा गिरिराज की, ये ब्रज का प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज। भगवान जब इस जगत छोड़ कर गए, उनने सब कुछ लेकर गए, लेकिन ये मरते जगत में हमारे लिए केवल तीन चीज को छोड़े। कितने चीज को छोड़े? बोल सकते हो तीन चीज क्या क्या छोड़ कर गए? बोलो कौन बोलेगा तीन चीज ठाकुर जी हमारी कल्याण के लिए छोड़ कर गए? बोलो कौन बोलेगा? और अरे ब्रज में क्या छोड़ कर गए? देखो ब्रज में एक तो गिरिराज बाबा छोड़ कर गए, दूसरे ये जमुना पटरानी को छोड़ कर गए, तीसरा ये वृंदावन धाम को छोड़ कर गए। हमारी कल्याण करने के लिए ठाकुर जी तीन चीज छोड़ कर गए, उसमें एक श्री गिरिराज बाबा को उन्होंने छोड़ कर गए। इसलिए गिरिराज बाबा की बड़ी महिमा है। अरे ये गिरिराज गोवर्धन की जो भगवान जो गिरिराज की ये गिरिराज गोवर्धन में आए कहां से, इसकी भी दो कथा है। एक समय जिस समय भगवान राम लंका विजय के लिए पुल बांध रहे थे, बंदर को आदेश दिया भैया जहां से बड़े पत्थर मिले उठा कर लाओ, और हनुमान उसको ऊपर में राम का नाम लिख करके छोड़ रहे थे, वो तैर रहा था। हनुमान जी सोच रहे थे जल्दी से जल्दी पुल बन जाए और माता सीता की जल्दी जल्दी उधार होगा। वो ढूंढ रहे थे कहाँ पर बड़े से बड़े पहाड़, जब सालमली द्वीप में पहुंचे ना, देखो इतना विशाल गिरिराज गोवर्धन, विशाल गिरिराज गोवर्धन गए ना हम लोगों ने, अभी जो गिरिराज गोवर्धन है वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि उसका शिखर एकदम आकाश को स्पर्श कर रहा था, लेकिन पुलस्त ऋषि के अभिशाप से एक एक तीर वो नीचे धंसते हुए जा रहा है। बोले इतने ऊंची गिरिराज गोवर्धन थी, सोचा अगर ये पर्वत किसी तरह से उठा करके ले जाए जल्दी जल्दी पुल बन जाएगा। हनुमान जी एक हाथ उठा लिया, बोले जय श्री राम बोल करके एक हाथ में गिरिराज उठा ली। उठा करके जब जा रहे थे, जब वृंदावन जहां पर गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, इतने में पुल बंधना समाप्त हो गया। भगवान राम आदेश दिए, बोले सब बंदर को बोल दो पहाड़ की कोई जरूरत नहीं, पुल बंध चुका है, कष्ट करने का जरूरत नहीं। हनुमान जी ने गिरिराज को वहीं पर रख दिया। जब वहीं पर रख दिए, इतने में गिरिराज तो रोने लग गए, बोले हनुमान जी मेरे को सालमली द्वीप से लाए हो, अगर और थोड़ी दूर ले जाते तो ठाकुर को सेवा में तो लगता, प्रभु चल करके जाते मैया सीता की उधार होता, मेरे को यहाँ पर क्यों छोड़े हो? रोने लग गए। वह हनुमान जी बोले कोई चिंता नहीं, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे और तुम्हारे ऊपर में रासलीला करेंगे, गैया चराएंगे, तेरे को कनिष्ठ अंगुल को ऊपर उठाएंगे, ब्रजवासी उनको साथ सात दिन उसको नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, कोई चिंता मत करो। कहते ये एक कथा है। बोले दूसरी कथा, कहते ये पुलस्त ऋषि एक समय भ्रमण करते करते ये द्रोण और धरा का बेटा रूप में गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए। जब ऋषि वहां पर गए और रहते थे काशी में है, उन्होंने तो गिरिराज गोवर्धन को देख करके बोले इतने सुंदर 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 कदराए, सुंदर सुंदर पेड़ पौधा लता पता झरना, जिसमें सुंदर सुंदर तालाब, बोले अगर इसको किसी तरह से हम ले जाए कहाँ पर काशी में संत लोग बैठ करके इसमें भजन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनको पिता माता को मांगे तुम्हारे बेटे को दे दो, अगर कोई आपका घर में आए
आपका एक बेटा होगा उसको तुम्हारे बेटे को दे दो, आप दे दो बेटे को। बोले ये कैसे सत्य है, कहते बेटे को दे दो, अगर मना कर देंगे तो बिगड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा भैया बेटे को पूछ लो। बोले गिरिराज चलो मेरे साथ में। बोले दो शर्त पर चल सकता हूँ, एक शर्त है मेरे को कनिष्ठ मेरे को हाथ पर उठा करके ले जाना पड़ेगा, अगर कहीं बीच में रख करके आप अपवित्र हो गए तो मेरे को उठा नहीं सकते। बोले कोई चिंता मत करो, पुलस तरीसी अपना जोग प्रभाव से उनने पूरा के पूरा गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए। और उठा करके जब जा रहे थे अभी जहाँ पर श्री गिरिराज, जब वहीं पर आए इतने में गिरिराज जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, ठाकुर जी मैं तो आपके चरण की सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ, देखो ये ऋषि कहाँ फांसी मिलना कठिन हो जाएगी, हैं कोई इज्जत नहीं रहेगी, जात पात कुछ नहीं रह जाएगी, अभी गुजर के जाति लोग तो अपना परिवार में ही अपना बेटी को शादी देते हो, एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन धीरे 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 सब खत्म होते जाए, क्योंकि लड़की को जब हम बाहर भेजेंगे वो लव मैरिज करेंगे अब रोक भी नहीं सकते, फिर धीरे धीरे अपना जात पात सब खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे मार पीट झगड़ा कली अशांति कली युग में धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, कली युग है, है? ये कली युग है। इसलिए शास्त्र कहता है भैया जितना भजन करो, कन्हैया जाकर बाबा की गोद में बैठ गए और दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा ये किसकी पूजा हो रही है, ये मैया रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है। बोले बेटा हम लोग श्री इंद्र पूजा करेंगे। बोले पिताजी इंद्र पूजा क्यों करेंगे। बोले बेटा हम लोग ग्वाला है, हमारा मूल धन गैया है और इंद्र का अधीन में ये परजन मेघ है और उनकी आदत है कि जो गिरिराज गोवर्धन इतने ऊंचाई बारिश का बादल आकर के इसमें टकरा करके ही बारिश होती है, हैं जहाँ हरा भरा हो वहीं पर बारिश होती है। हम लोग को घास गैया कहाँ से खाते, बोले गिरिराज से, फल मूल गिरिराज से, पानी गिरिराज से, सब तो गिरिराज से मिलते हैं। इसलिए हमारा जो प्रत्यक्ष देवता गिरिराज और ब्राह्मण और जो गो माता ही हमारी पूजा है, इसलिए पिताजी आप ये गिरिराज गोवर्धन को पूजा करो। बोले कब से इंद्र पूजा कर रहे हो। बोले जब से होश आया। बोले अभी उड़द की दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, छोले दाल और मटर दाल, पांच तरह का दाल बनाए, चूरमा दो तरह के बनाए, एक हंसना और एक रोना। हंसना मतलब पतल में रखते ही खिल जाए, रोना मतलब जिसके घी टपकता है। दो तरह का कढ़ी बनवाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिन कढ़ी। राड कढ़ी किसको कहते हैं, बोले बगैर पकौड़े के जो, और सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाले। नब्बे दोपहर का नाम श्री गिरिराजाय स्वाहा बोल करके जब किया, सचमुच से श्री गिरिराज बाबा स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय। सचमुच से गिरिराज गोवर्धन वहां प्रकट हुए, सारे ब्रजवासी देख रहे थे और गिरिराज बोल रहे थे आनो रे और लाओ और लाओ। देखना जब परिक्रमा होता है ना, पहला गांव का नाम आनर गांव, मिनट में उन्होंने पकड़ पकड़ खा रहे थे, सबके सब समाप्त कर दिया। बोले और ले आओ। ब्रजवासी बोले रहे थे, जब थोड़ी दूर गए इतने में पीछे राधा रानी थी। राधा रानी मन मन में सोच रही है अगर सचमुच से कन्हैया की इच्छा है कृष्ण एक बार मेरे को दर्शन दे दे। अभी राधा जी की मन को तो कृष्ण समझ गए, कृष्ण बीच में राधा रानी पीछे, अभी दर्शन कैसे दे। इतने में कृष्ण राधा रानी को दर्शन देने के लिए क्या किया, अपना जो लकुटी जो गैया चलाते हैं वो लकुटी को कृष्ण ऐसे ऊपर में फेंके, फेंक करके कृष्ण जब उसको पकड़ने के लिए गए छलांग लगा करके, राधा रानी की दो आंख और कृष्ण की दो आंख मिल करके एक। कथा कितने बजे शुरू होगी, 9 बजे कथा शुरू होगी ना, 7 दिन कथा सुनने का फल मिलेगा। और कल से रुक्मिणी का विवाह है और आप लोग एकदम चमक धमक लाल लाल रंग साड़ी पहनना, ठीक है ना, शादी की भगवान की शादी होगी कल, ठीक है। और सुदामा चरित्र है उसमें थोड़ा थोड़ा चावल घर से लाना, और जो राधा रानी के लिए साड़ी लाना चाहते हो आप साड़ी ला सकते हो, हम वृंदावन में राधा रानी को पहनाएंगे। और जो कल है, हाँ, जो व्यक्ति हरिनाम लेना चाहते हो माला ले।